आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो स्टॉक के बारे में। आज से कुछ दिन पहले मैंने कई जो हमारे फ्री ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे कहा था कि विप्रो स्टॉक में इस समय लॉन्ग करने की गलती नहीं करें, और उन सभी लोगों ने ये गलती करा और खामियाजा खुद वो समझ रहे होंगे। इस समय ये स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 461 का है, जबकि इसका आज का लो अराउंड 456 का रहा है। और इस समय आप आईटी इंडेक्स को देख रहे हैं और लोअर साइड से सेकंड जो है सबसे वीक स्टॉक इंफेसिस के बाद विप्रो ही दिख रहा है। इसका 52 वीक लो 443 का है और इस लो को श्योरली ये स्टॉक ब्रेक करके 410-400 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। आइए चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये विप्रो का डेली चार्ट है, और अगर मैं आपको ले जाऊं 2021 में ये स्टॉक कंसोलिडेट फॉर्म में रहा था 410 से 440 के बीच में, इसके बाद ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने अराउंड 50% तक के रिटर्न दिए। उसके बाद अगेन स्टॉक में डाउन ट्रेंड रहा और डाउन ट्रेंड रहा लगभग 2022 के मार्च में, और स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद अपने लेवल को ब्रेक किया और उस ब्रेक से देखेंगे 15% तक का गिरावट दिखा है। एज एक्सपेक्टेड इस प्राइस से 10-12% तक का गिरावट और दिख सकता है। इस स्टॉक में लॉन्ग करना है तो 490 के ऊपर ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर लॉन्ग करें, तब तक के लिए इस स्टॉक में अवेयर रहने की जरूरत है। और 410 से 430 के बीच का प्राइस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को एक गोल्डन अपॉर्चुनिस्टिक प्राइस में ऐड करने का।